हेलो एवरीवन, हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा था वो था असेंबल और डीअसेंबल का क्लास। ठीक है, जो कि डेस्कटॉप वाला पोर्शन हम लोगों ने आगे वीडियो में देख लिया। आज हम लोग पढ़ेंगे लैपटॉप वाला। तो देखिए, मैं आगे का वीडियो में भी बताया, इस बारे में भी बता देता हूँ कि देखिए, डेस्कटॉप सब एक जैसा ही होता है लगभग। अभी गेमिंग डेस्कटॉप वगैरह थोड़ा सा अलग अलग टाइप का आ रहा है, लेकिन सभी फिलहाल अभी एक जैसा ही होता है। ठीक है, उसका असेंबल और डीअसेंबल। लैपटॉप में अलग अलग कंपनी का, एक ही कंपनी का अलग अलग मॉडल का अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है, तो कोई भी लैपटॉप अगर आप लोग रिसीव करते हैं तो उसको अगर आपको नहीं आता है तो आप लोग प्लीज़ गूगल में या फिर यूट्यूब में या फिर और कहीं पे जाके उसका मॉडल नंबर लिख के आप जब भी उसका असेंबल या डीअसेंबल लिखेंगे तो वो दिखा देगा कि वो लैपटॉप कैसे ओपन होता है। तो मैं यहाँ पे एक एचपी का लैपटॉप लिया हूँ, दिखाता हूँ आप लोगों को। ये एक पुराना लैपटॉप है मेरे पास, तो ये लैपटॉप को हम लोग आज डीअसेंबल करेंगे, डीअसेंबल भी करेंगे, उसके बाद असेंबल भी करेंगे। तो लैपटॉप, कोई भी लैपटॉप को असेंबल और डीअसेंबल करने के लिए हमको दो चीज़ का ज़रूरत है। एक तो ऐसा छोटा 4 मुंह, तो 4 मुंह वाला एक स्क्रू ड्राइवर और एक ऐसे स्टील का ओपनर का। तो शुरुआती होता है पीछे के साइड से, इसका जो ऑपोजिट साइड होता है उसके स्क्रू से। तो एक छोटा सा, अगर कोई लैपटॉप में से छोटा सा बॉक्स किया गया है तो उस बॉक्स को पहले खोलिए। नया नया लैपटॉप में कोई नहीं आ रहा है, सिर्फ 4-5 स्क्रू ऊपर रह रहा है, खुल जा रहा है। ठीक है, नया में बहुत आसान होता है। पुराना लैपटॉप जितना पुराना होगा उसमें उतना ज़्यादा स्क्रू लगा होता है, खुलने में उतना ही दिक्कत होता है। नया नया जो जितना भी लैपटॉप आ रहा है अभी, वो एकदम आसान है खोलना उसको। ठीक है, ओपनर से खोल लेना है इसको। तो देखिए, यहाँ पे कीबोर्ड का मार्किंग है, दिख रहा होगा आप लोगों को, पता नहीं, जूम करते हैं, एक सेकंड रुकिए। तो देखिए, यहाँ पे एक मार्किंग दिया गया है कीबोर्ड का पिक्चर है, थोड़ा मैं ऊपर करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। देखिए, यहाँ पे कीबोर्ड का निशान है। तो यहाँ पे जो स्क्रू है ये पीछे से कीबोर्ड को भी पकड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे वाईफाई कार्ड था, ठीक है, किसी ने खोल लिया है, पुराना है, मम्मी खोल लिए होंगे। तो ये देखिए, ये जो है ये एंटीना है, सॉरी, एक सेकेंड, जूम आउट करना भूल गया था। तो फिलहाल ये जो एंटीना है, किसी ने वाईफाई कार्ड तो खोल लिया, ये जो एंटीना है ये वाईफाई का है, जो कि आगे का साइड में यहाँ पे हिंज से आके जुड़ता है। मतलब ये स्क्रीन के यहाँ पे एंटीना लगा होता है, उसमें आके जुड़ता है। ये हम लोगों का हार्ड डिस्क हो गया, ये रैम हो गया। तो चलिए, आज तो डिसेंबल क्लास है, हम खोल के पूरा आप लोगों को दिखा देते हैं। तो पहले जितना भी स्क्रू है हम खोल लेते हैं। देखिए, यहाँ से मैंने सीडी का स्क्रू खोल लिया और ये मैं हम लोगों का जो सीडी डीवीडी है ये पहले बाहर निकल जाता है, क्योंकि किसी किसी में इसके नीचे भी यहाँ पे स्क्रू रहता है, तो इसलिए देखना पड़ता है। तो यहाँ तक तो हम लोग खोल लिए, हार्ड डिस्क को भी खोल लेते हैं। कभी कभी हार्ड डिस्क के नीचे भी स्क्रू रहता है, ठीक है, इसका नहीं है, किसी किसी में रहता है, छोड़ देता है इसको, सीधा कर रखते हैं। कीबोर्ड का सारा निकाल दिया है, अब जो है ऊपर से जो है कीबोर्ड ये बाहर निकल जाएगा। अभी जो नया नया लैपटॉप आ रहा है उसमें लेकिन कीबोर्ड ऊपर से ज़्यादातर नहीं खुलता है, ठीक है, वो अंदर से फिक्स्ड बैठा रहता है। ऐसे ओपनर के इस्तेमाल करके जितना भी लॉक है यहाँ पे खोल लेना है, जोर नहीं लगाना है। ठीक है, ऐसे ये खुला हुआ है फिलहाल। तो ये जो कनेक्टर है कीबोर्ड का, ये यहाँ पर लगता था, दिख रहा होगा आप लोगों को। ये यहाँ पर दो कनेक्टर आप लोगों को दिख रहा है, जो कि ये टच पैड और स्विच का है। ठीक है, उसके बाद बाकी मैं खोल के दिखा रहा हूँ आप लोगों को।
असल में ये पुराना मेरा ख़राब पड़ा हुआ था, बस आप लोगों को दिखाने के लिए खोल रहा हूँ, इसीलिए ज़्यादातर खुला हुआ ही है। प्रोसेस जो है धीरे धीरे, ये सब लॉक जो है ये इतना आसानी से नहीं खुलता है, ठीक है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे मैंने स्क्रू शायद खोलना भूल गया। हाँ यहाँ पे स्क्रू पकड़ा हुआ है। खुल गया है, और भी स्क्रू है शायद, एक सेकंड रुक जाइए। देखिए कीबोर्ड के नीचे से भी स्क्रू था, ठीक है, मैंने पहले खोल के फिर नहीं लगाया होगा। यहाँ पे और एक स्क्रू है, मैंने खोलना भूल गया। ये सब अच्छे से देख लीजिएगा कि सारा स्क्रू खोल लिया है ना, उसके बाद ही आपको ओपनर का इस्तेमाल करना है, ठीक है। ओपनर से तोड़ नहीं देना है, एकदम से तोड़ दिए। और ये पुराना है इसलिए इतना जल्दी खुल रहा है, नया होगा तो थोड़ा टाइम लगता है। पावर आ गया, ठीक है, हो गया असेंबल, सॉरी डीएसेंबल, इसको डीएसेंबल कहा जाता है। ये हम लोग मदरबोर्ड, यहाँ पे जो है ये वायर देखिए डिस्प्ले से आया है, तो ये डिस्प्ले कनेक्टर, यहाँ पे साइड में यूएसबी वगैरह दिया है तो उस सब का कनेक्टर, डीसी जैक जो है जिससे इसको बोर्ड को पावर मिलता है वो डीसी जैक होता है उसका कनेक्टर, ये सीडी डीवीडी का कनेक्टर है, और हार्ड डिस्क का कनेक्टर पीछे से था, आप लोग देखें तो। ये जो इसका टच पैड है, लगा देता हूँ फिर से। तो ऐसे एक जो कि लैपटॉप है उसको असेंबल किया जाता है। एक चीज़ इसमें नहीं है जो कि है इसका पावर स्विच, इसने काट दिया यहाँ से, ठीक है, पावर स्विच जो है। थोड़ा मेरा लाइट का दिक्कत हो गया, तो ऐसे ही देखिए पावर स्विच का भी एक कनेक्टर आता था, मतलब इसका था जो कि यहाँ पे लगता था, ठीक है, किसी ने उठा दिया है, ठीक है। चलिए सबको हम लोग लगा देते हैं जैसे था। यहाँ पे स्क्रूज था देख रहे हैं, तो वो लगाना पड़ेगा आप लोगों को देख देख के। कीबोर्ड का जो लगाने का प्रोसेस है, ये सबको ट्वीज़र से अच्छा होता है, ट्वीज़र इस सब लॉक को एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को सामने से, एक सेकंड रुक जाइए। ये जो लॉक है ना, इस सबको कैसे लगाना है देख लीजिए एक बार। इसको पहले से ऊपर उठाना है, और इसको इस वायर को ऐसे यहाँ पे डाल देना है। डालने के बाद ये जो लॉक है ये ऊपर से ऐसे बंद हो जाएगा, ठीक है, ऐसे बंद हो जाएगा, जोर जबरदस्ती नहीं करना है। इसके बाद कीबोर्ड को भी सेम वैसे ही आपको लगाना है। कीबोर्ड का जो ये कनेक्टर है इसको ऐसे ऊपर उठाएगा, दिखा देता हूँ आप लोगों को। फिर ये जो है ये यहाँ, ये हम लोगों का सीडी डीवीडी, लग गया, स्क्रू नहीं लगा रहे हैं, बस आप लोगों को दिखा दे रहे हैं इसको ऐसे। इसको लॉक्स है तो लॉक को पहले लगाइए। चलिए कंप्लीट हो गया। तो ऐसे कोई भी लैपटॉप अगर आता है आपके पास तो खोल सकते हैं इस टाइप का सेम मॉडल का, ठीक है। ज़्यादातर लैपटॉप पीछे के साइड से खुलता है, कोई कोई ऊपर से खुलता है, कोई अभी जो लेटेस्ट लैपटॉप आता है वो सिर्फ पीछे का जितना भी स्क्रू है वो सब खोलने से हो जाता है। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक था, छोटा सा क्लास था। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्लास अच्छा होगा, कोई भी मिस नहीं करना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, सॉफ्टवेयर, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कल हम लोग पढ़ेंगे कितना टाइप का सॉफ्टवेयर होता है, उसको क्या करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है कि बूटेबल करना पड़ता है, कैसे करना पड़ता है, कहाँ से हम लोग डाउनलोड करते हैं, सब के बारे में
नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे ये सब जो सॉफ्टवेयर है उसको कैसे इंस्टॉल वगैरह करना है, उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल वगैरह करना सीखेंगे, उसके बाद ड्राइवर सॉफ्टवेयर जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिना ड्राइवर का ये जब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होता है लैपटॉप में आता है, जैसे कोई लैपटॉप का वाईफाई काम नहीं कर रहा तो ड्राइवर का इशू हो सकता है, सबसे पहले हम लोग वही चीज़ चेक करते हैं, अगर टच पैड काम नहीं कर रहा तो भी ड्राइवर का इशू हो सकता है, तो ये क्लास भी इंपॉर्टेंट है, तो इसके बाद जितना भी क्लास है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ सीरियसली क्लास को देखना, और अगर मेरा वीडियोस पसंद आया तो इसमें लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, थैंक यू गाइज, और अगर आप लोग नए हो तो मेरा प्लेलिस्ट में जाके पुराना जितना भी वीडियो है मतलब क्लास का ये जो एक से लेके वो सब देखिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू गाइज, अगर आपको हम लोगों का वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।